Hello, good morning students. Today I am here to teach biology and of class 8. The topic name is cell structure and functions. तो मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने आया हूँ. बायोलॉजी का चैप्टर क्लास 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि सेल क्या होता है. तो आशा करता हूँ कि आप लॉकडाउन के वक्त घर पे सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे, घर पर ही रहें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं सेल के बारे में बताऊंगा कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, सेल का उत्पत्ति कैसे हुआ, ऑरिजिन कैसे हुआ, मतलब किसने सेल की खोज की कि हमारे बॉडी सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है, तो उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, दैट इज सेल होता है. तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है द सेल एंड इट्स डिस्कवरी. ओके, मतलब सेल क्या होता है और उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, उसकी खोज कैसे हुई, किसने ढूंढा कि हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो सेल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल का डेफिनेशन बना देते हैं. सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. मतलब सेल जो होता है वो किसी भी लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी का जो शेप है, जो साइज है, हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या फिर अदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी लिविंग थिंग्स है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन डिसाइड करते हैं, सेल. उनका जो फंक्शन होता है, क्या वो फंक्शन करेंगे, क्या वो काम करेंगे, वो भी कौन डिसाइड करते हैं, सेल डिसाइड करते हैं, ठीक है. और सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. देखिए सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें, टेक योर टाइम, ठीक है. बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी के शेप को बनाने में जो ब्लॉक्स लगे हैं, जैसे किसी घर को बनाने में जिस तरह से ईंट को सजाया जाता है, जिस तरह से सजाया जाता है, उसी तरह से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सेल को एक वे में, एक करेक्ट वे में सजाया जाता है, ठीक है. वही इसीलिए हम लोग सेल को किस चीज से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर ले, ये लर्न कर ले, ये आप लोग के डेली लाइफ में यूज होगी, ठीक है. टेक योर टाइम. ठीक है, उसके बाद वो ब्रांच साइंस का जो इसके स्टडी को डील करे, सेल के स्टडी को डील करे, उसको हम लोग क्या करते हैं, वो भी आप नोट करें. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. CYTOLOGY, ठीक है, आप स्पेलिंग का ख्याल करके लिखेंगे. तो ब्रांच वो ऐसा साइंस का जो ब्रांच जो सेल के स्टडी को डील करे, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी. साइटोलॉजी का डेफिनेशन यहां पर लिखते हैं,
साइटोलॉजी को अगर हम फर्दर डिराइव करते हैं, साइटोलॉजी से मीनिंग क्या निकलता है? साइटोलॉजी देखिए यहां पे, साइटो और लॉजी, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉजी का मतलब क्या होता है, इसी के वर्ड में इस पूरे डिफिनेशन का, पूरे डिफिनेशन का जो मीनिंग है बस इस वर्ड में छुपा हुआ है। लॉजी मीन्स होता है स्टडी, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। और साइटो का मतलब होता है सेल, मतलब ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग सेल के स्टडी के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। नोट कर ले, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और इसे लर्न भी कर ले। तो आगे मैं बताऊंगा, आगे आपको टिश्यू के बारे में पढ़ना है, सेल किस तरह से कंबाइन होकर के आगे क्या फॉर्म करते हैं उसके बारे में, मतलब सेल का मैं आगे स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके रिगार्डिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? सेल के बारे में। ठीक है, सेल अगर ढेर सारे सेल नहीं ज्वाइन हो गए तो, अगर बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल एक ओरिजिन के एक स्ट्रक्चर के अगर सेल ज्वाइन होते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। सेल ज्वाइन होकर बनते हैं टिश्यू। टिश्यू अगर ढेर सारे टिश्यू के ही ज्वाइन होते हैं तो वो बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन के ही ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन होकर क्या बनते हैं? ऑर्गेनिजम्स। क्या बनते हैं? ऑर्गेनिजम्स। वेरी गुड। ठीक है, तो सेल ज्वाइन होकर के ढेर सारे सेल अगर मिलेंगे तो आपस में वो क्या फॉर्म करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे? टिश्यू। ढेर सारे टिश्यू अगर कंबाइन एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गन। ढेर सारे ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बींग्स हो गए, कोई प्लांट हो गया या फिर कोई एनिमल्स हो गए, तो उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ सेल हम लोग के जो बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल होता है। ठीक है, सेल टाइम टू टाइम डेड होता है और नए सेल वहां पे, जहां की सेल आपको डेड कर जाएंगे वहां पे नए सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे सेल डेड कर जाते हैं और न्यू सेल फॉर्म होना बंद हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ठीक है, तो जब ढेर सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं, ऐसे सेल जिनका ओरिजिन एक हो, ओरिजिन मतलब जहां से उत्पत्ति उनका, जहां से वो निकले हैं, सब सेम जगह से उनका ओरिजिन हो, उनका स्ट्रक्चर सेम हो, सारे सेल का स्ट्रक्चर सेम हो एंड फंक्शन सेम हो, तो अगर ऐसे सेल एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ मिलते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। एक ही ओरिजिन के टिश्यूज एक अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन में जैसे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हार्ट, किडनी। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, हार्ट, किडनी, स्टोमक, ब्रेन, मतलब जो भी आपके बॉडी के जो ऑर्गन है उस सब, वो सब ऑर्गन में आएंगे। उसके बाद जब ढेर सारे ऑर्गन जैसे स्टोमक, जैसे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया तो उसमें इंटेस्टाइन होता है एक ऑर्गन हो गया, फूड पाइप, स्टोमक, माउथ, ये सब आपस में मिले हुए रहते हैं तो वो हमारा बनाते हैं कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरह का ऑर्गन सिस्टम हो गया, और ढेर सारा सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो कंबाइन करके एक ह्यूमन बींग, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी ये मैंने एक आदमी का एग्जांपल दिया था, मतलब किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, किसी एनिमल के अंदर हार्ट, किडनी, स्टोमक, ब्रेन, ये सब होते हैं, ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। नोटेड डाउन। ठीक है, सेल के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, या फिर नीचे जो चल रहे हैं ये स्क्रॉल लाइंस हैं, इसमें हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए हुए, आप इससे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आपको किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बेझिझक होकर के बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी
नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल के बाद जो मैंने बताया था अभी आपको, जो एक डायग्राम बताया था जिसमें शेल, शेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। तो बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगर आता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू, तो टिश्यू का मैं डेफिनेशन बता देता हूं। अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ सेल, डेफिनेशन नोट डाउन कर ले और लर्न भी कर ले, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल मतलब ऐसे सेल जहां कंबाइन हुए हैं जिन सेल का ऑरिजिन सेम हो, मतलब जहां से वो उनका उत्पत्ति हुआ है, जहां से वो निकले हैं, दैट प्लेस इज सेम फॉर ऑल द सेल इन द टिश्यू। ओके, तो जिनका ऑरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, ऑल द सेल्स विच आर इन अ सिंगल टिश्यू हैव द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो एंड जिनका फंक्शन भी सेम हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर ले। उसके बाद एक पॉइंट टिश्यू से रिलेटेड आप नोट डाउन करें कि इपिथेलियल एंड मस्क्यूलर टिश्यूज आर ह्यूमन टिश्यूज whereas xylem and phloem are plant tissue। मतलब यहां पर मैंने एग्जांपल आपको बताया है epithelial and मतलब ह्यूमन टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज का, कि ह्यूमन टिश्यूज कैसे होते हैं और प्लांट टिश्यूज कैसे। तो जो इपिथेलियल, यहां पर मैंने लिखा है जैसे इपिथेलियल एंड मस्कुलर, इपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यूज आर ह्यूमन टिश्यूज। मतलब ह्यूमन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं, इपिथेलियल, मस्कुलर। इपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू ह्यूमन टिश्यू है। और जाइलम, प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, स्पेलिंग का देखते हैं, एक्स वाई एल ई एम, जाइलम एंड phloem, phloem are plant tissue। मतलब xylem और phloem जो हो गया वो आपका plant tissue है और epithelial and muscular tissues are human tissues। Okay, note it down and learn। Okay, I hope you understand the term tissue। Tissue and cell आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी problem है तो आप हमारे comment section में बताएं। तो tissue और cell के बारे में मैं बताने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्कवरी ऑफ सेल किस तरह से, मतलब सेल की खोज किसने की। हमारे बॉडी के अंदर तो सेल शुरू से है, बट किसने ढूंढा कि हमारे बॉडी के अंदर सेल है। हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे सेल कहते हैं। किसने ये बताया कि सेल ही हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सेल का डिस्कवरी जिन्होंने किया, जिन्होंने सेल का खोज किया, कि जिन्होंने सेल का ये फाइंड किया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, या तो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, या फिर कोई भी इन सराउंडिंग में रह रहे कोई भी लिविंग थिंग्स हो, तो उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सेल होता है, इसकी खोज एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। एक बार फिर से सुन ले कि सेल के डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, जो सेल के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट का मतलब हुआ वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी 1665 में की थी। आइए मैं उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल्स। ओके, किस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई, किस तरह से सेल की खोज हुई। ठीक है, क्रेडिट नोट डाउन करेंगे साथ में।
द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल्स goes to an English scientist Robert Hooke. किसने खोज की थी? Yes, Robert Hooke. ठीक है, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल्स गोज टू एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक. मतलब रॉबर्ट हुक को ही डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, ही ऑब्जर्व the cells under his crude microscope in 1665. ठीक है, जो सेल का उन्होंने ढूंढा था वो क्रूड माइक्रोस्कोप के हेल्प से ढूंढा था. क्रूड माइक्रोस्कोप के हेल्प से ढूंढा था. कब ढूंढा था? 1665 में. ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, तो कैसे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, मतलब क्या वो किए जो उनको सेल दिखा? क्योंकि सेल तो हमारे नेकेड आइज, हमारे खुले आंखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि वो बहुत टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, जो कि हम लोग किसी माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो जिस टाइम पे इसकी खोज हुई थी, यानी ईयर 1665 में इसकी खोज हुई थी, उस टाइम टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, उस टाइम उतने माइक्रोस्कोप हमारे पास अवेलेबल नहीं थे. बट रॉबर्ट हुक के पास, रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की, उन्होंने जो सेल को ऑब्जर्व किया वो एक क्रूड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. उसके बाद तो बहुत तरह के माइक्रोस्कोप बनते हैं, लेकिन जब जिस ईयर में, यानी 1665 में जब सेल की डिस्कवरी हुई, जब उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया, तो उस समय उन्होंने किस माइक्रोस्कोप का यूज किया था? तो दैट वाज क्रूड माइक्रोस्कोप. ओके, ठीक है, तो उन्होंने एक पहले के जब लोग रहते थे, तो जैसे आज बोतल के में ढक्कन आता है, तो पहले शीशे की बोतल होती थी और उसके ऊपर कैप नहीं होता था, ढक्कन नहीं होता था, उस समय एक कॉर्क का यूज किया जाता था. कॉर्क मतलब एक लकड़ी का छोटा सा पीस का यूज किया जाता था. तो उसी पीस को और छोटा स्लाइस करके उन्होंने जब माइक्रोस्कोप पर रख कर देखा, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो कॉर्क है, ये जो वुड का जो छोटा पीस है, ये बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चर से बना हुआ, बहुत सारे टैली होल्स है उसमें. तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये होल्स किस चीज के है, जब उन्होंने उसके बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने ये घोषित किया, ये प्रमाणित किया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म हो, या तो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स हो, दैट ऑल आर मेड ऑफ अ टिनी पार्टिकल दैट इज नोन एज शेल. ठीक है, सेल जिसको बोलते हैं. तो इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को. उन्होंने सेल को कब ऑब्जर्व किया? 1665 में. और किस ऑर्गेनिज्म, मतलब किस चीज से, किस इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व किया? तो वो था क्या? क्रूड माइक्रोस्कोप. इसे नोट कर ले. आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे. अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी एजुकेशनल वीडियोस अगर हमारे चैनल में आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे. तो अब मैं सेल के जो आगे के पार्ट से, जो आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, या फिर और आगे जो आपको पढ़ने हैं, वो मैं अब आपको अगले पार्ट में बताऊंगा. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से पढ़ाएंगे. थैंक यू.